स्वागत है आपका क्रिस्टल कार्स की एक और वीडियो में। वैसे तो हम कार रिव्यूज़ ही करते हैं थोड़ा बहुत जो हमने अभी तक किए हैं चैनल पे, लेकिन आज हम आपके लिए लेके आए हैं सुजुकी एक्सेस 125 2019 का। ये मॉडल है जनवरी 2019 का कह सकते हो आप इसे, और करीब तीन एक महीने कम रह गए हैं इसको चलते हुए। तो इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू करते हैं छोटा सा। हमारी पर्सनल गाड़ी है ये, और अभी तक कैसी रही है 3 साल में, हालांकि 1.5 साल लॉकडाउन में ये बिल्कुल चली ही नहीं है, शुरू में 1 साल ही चली थी जो भी है। तो इसकी सारी डिटेल आपको देते हैं अभी कि गाड़ी है कैसी और क्या है लॉन्ग टर्म में। अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो क्या आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, तो इसकी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में देते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए ये है सुजुकी एक्सेस 125 BS4 वाला जो है, ये वो वाली है, और कुछ ऐसा है इसका लुक। इसमें ऐसे 3 साल करीब हो गए हैं, 9वां महीना चल रहा है अभी, 3 महीने कम है। ऐसे स्क्रैचेस वगैरह लगे हैं, ये फाइबर बॉडी है यहाँ पे वेट कम करने के लिए जो देती है कंपनी, और ये स्क्रैचेस वगैरह लगे हैं थोड़ा सा इसके ऊपर, और ये यहाँ से पेंट जो है वो बहुत जल्दी उतरने लग गया था इसका। बाकी जो इसका स्टील वगैरह है वो आज भी वैसा ही है जैसा था, आप देख ही सकते हैं इसमें बिल्कुल एकदम ओके। यहाँ पे ये थोड़ा सा रस्टिंग की प्रॉब्लम ज़रूर आ रही थी, इसके ऊपर हमने फिर थोड़ा सा एक पेंट लगाया था कोई, जिसके बाद वो रुक गया। और बाकी इसमें जितना भी सामान है वो सबका सब ओरिजिनल है, जैसे ही कंपनी ने लगा के दिया था वैसा का वैसा है सब कुछ। ये ग्रिल वगैरह जो है ये नई जब ली थी वहीं पे लगा के दी थी, तो पीछे की ग्रिल वगैरह बिल्कुल ओके हैं, बाकी किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सीट कवर जो इस पर लगा हुआ है वो भी ओरिजिनल है इसका, उसमें भी अभी तक कोई चेंज नहीं किया है। और ये मैट, ये सब चीज़ें मतलब वही हैं जैसी की जैसी कंपनी ने दी थी। आगे की ग्रिल इसकी ज़रूर टूट गई है, ये जो आगे में लगी हुई थी वो वाली, और गाड़ी थोड़ी सी यहाँ से लग गई थी आगे की साइड से, तो हमने यहाँ कुछ स्क्रैचेस थे इसके ऊपर जिसकी वजह से हमने इसके ऊपर ये ब्लैक टेपिंग कर दिया। अब देखिए लुक कैसा लग रहा है। और एक ये स्क्रैच यहाँ आ गया था, दब गई थी, जिसको हमने इसको वापस बाहर निकाला, और फिर इसके बाद इसको एक सिल्वर कलर का पेंट मार दिया। यहाँ पे पेंट नहीं मारा था, और यहाँ स्क्रैचेस जो थे उसको ये ब्लैक टेप से ढक दिए थे। काफ़ी अच्छी लग रही थी, हमने अपने हिसाब से किया था, मतलब किसी ने बताया तो था नहीं, तो हमें जैसा ठीक लगा इसको यहाँ से लेके और ये पूरा नीचे तक ब्लैक कर दिया था। बाकी ओवरऑल अगर आप देखें इसके साइड वाइड तो वैसे के वैसे हैं जैसे ओरिजिनल थे, ये निशान ज़रूर आए हैं इसके ऊपर, बाकी किसी भी पार्ट के अंदर ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आई है। इवन टायर तक ओरिजिनल हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है सर्विस के अलावा, जो भी सामान था सब वैसा का वैसा है। अब बात करते हैं गाड़ी के चलने की, कि गाड़ी है चलने में कैसी। एक बार इसका जो स्पेस है वो आपको दिखाते हैं, ये है अभी ये गाड़ी खड़ी है 1-1.5 महीने से, और स्पेस इसमें अच्छा खासा है यहाँ पे, और कुछ ऐसी हालत हो गई है इसकी नीचे की साइड से, बिल्कुल जैसा था मतलब वैसा का वैसा है, कोई चेंज नहीं है। इधर इसमें ये चोक होता है, और ये यहीं से इसका जो लॉक है वो खुलता है इधर का, और मतलब सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं। एक बार दिखाते हैं चली कितनी है आपको फ़ोन करके, थोड़ी बारिश आ रही है इस टाइम पे। 2 साल 9 महीने हो गए हैं इसको लिए हुए, और अभी तक ये चली है 10,795 किलोमीटर। एवरेज वगैरह की बात करें तो अच्छी है, अगर आप घटिया से घटिया या सिटी में भी चलाते हो, घटिया रोड पे भी चलाते हो, तो भी इसकी एवरेज मान सकते हैं आप 35 के आसपास तो देगी देगी, तो 35 से 45 की एवरेज जो है वो हमने कैलकुलेट की है अभी तक जो ये दे देती है चलने में। और इंजन की आवाज़ सुनाते हैं एक बार इतने टाइम के बाद इंजन कैसा है। एक कमी ज़रूर आई थी लॉकडाउन के बाद कि जो इसका सेल्फ था, ये सेल्फ तो ओके है, लेकिन जो बैटरी है वो खड़े खड़े शायद काफ़ी टाइम तक खड़ी थी लॉकडाउन के टाइम के पीछे, तो जिस वजह से ये ऐसी हो गई कि स्टार्ट होने में एक दो बार दिक्कत करती थी। अभी देखिए आपके सामने स्टार्ट करते हैं, इसको सेल्फ से स्टार्ट करके देखते हैं, वैसे दिक्कत तो कुछ नहीं है। ये तो हो गई है, वैसे एक बार इंजन की आवाज़ सुन के देखिए आप, मतलब इंजन की आवाज़ में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हालांकि ज़्यादा चली ही नहीं है 10,795 किलोमीटर, और वो भी पिछले 1 साल के अंदर तो ये 1,000 किलोमीटर ही चली होगी मुश्किल से, बाकी जो सारी है वो लॉकडाउन से पहले ही चली थी, पिछले पहले जो 1-1.5 साल था उसमें, यानी 2019 से लेके और उस वाले लॉकडाउन तक। और आवाज़ अभी भी फर्स्ट क्लास है बिल्कुल इसमें, और किक का इसमें अभी तक बिल्कुल कोई यूज़ नहीं हुआ था, 5-10 बार ही सिर्फ यूज़ हुई है मैक्सिमम। एक बार बंद करके ना किक से स्टार्ट करके देखते हैं, देखिए इंजन में कोई चेंज नहीं है इतने टाइम के बाद भी, करीब 3 साल हो गए हैं। और यहाँ पे जो सर्विस में थे ना, उन्होंने किक में कुछ 500-700 रुपये का खर्चा ज़रूर किया था। देखिए स्टार्ट हो चुकी है, एक बार तो मेरे से ठीक से लगी नहीं थी, बाकी ये स्टार्ट हो चुकी है।
और गाड़ी में पावर तो बहुत है, इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आवाज़ भी कोई नहीं है, एवरेज भी ठीक ठाक है। एक दो जगह जो ये है रस्टिंग वस्टिंग की प्रॉब्लम को छोड़ के बाकी सब कुछ ओके है। जो ये वाले पार्ट हैं ये भी बिल्कुल ओके हैं। अब थोड़ा सा पॉलिश वोलिश मार दो तो एकदम से नया चमक आता है जभी के जभी। और आवाज़ आप देख ही सकते हैं अभी भी कोई ज़्यादा नहीं है, वैसे कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक एक्सेस 125 सेकेंड हैंड लेना चाहते हैं तो ऐसी गाड़ी बिल्कुल ले सकते हैं, कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है। जैसे ये वाला पार्ट मेटल है, ये वाला ये शायद मेटल है, ये फाइबर है, और ये साइड वाला जो है ये फाइबर है। निशान वगैरह इन पे देखो लगे जाते हैं। अब आगे का वाला तो वो गिरने की वजह से आगे का जो गार्ड है वो भी टूट गया था, पीछे का बिल्कुल सेफ है ऐसे की ऐसे, और कहीं पे इसमें हमें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम लगी नहीं है। एक दो जगह से पेंट उतरना और जो बाकी है वो जो रस्टिंग है नीचे वो एक अलग बात है, उसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है जी एक्सेस 125 BS4 मॉडल, और करीब 3 साल चलने के बाद भी बिल्कुल ओके है। हालांकि ज़्यादा नहीं चली है तो हम इसको वो भी नहीं कह सकते, एवरेज वगैरह भी बहुत अच्छी है और इंजन में भी कोई फॉल्ट नहीं है। कई बार लोग बोलते रहते हैं एक्सेस में प्रॉब्लम आती है, हालांकि हमने ज़्यादा नहीं चलाई तो हम इसको कॉन्फिडेंसली बोल भी नहीं सकते, लेकिन जितना हमारा जो कॉन्फिडेंस है उसके हिसाब से इसमें अभी तक भी कोई दिक्कत नहीं आई है। और सर्विस के अलावा हमने इसमें कोई खर्च नहीं किया, जितनी भी चीज़ें आप इसके अंदर आप देख रहे हैं वो सब वैसी की वैसी ओरिजिनल हैं जो उस टाइम पे थी। तो ये बिल्कुल वैसी की वैसी है आज तक, सीट कवर से लेके ये मैट से लेके ये गार्ड से लेके जो कुछ भी है वो सब यूं का ही ओरिजिनल है। इसमें उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, इसमें सब यूं का यूं है जैसा पहले आया था वैसे का वैसा। और अगर बात करें इसके इंजन की पावर की तो वो बहुत ज़बरदस्त है, अभी भी चलाते हुए पता लगता है कि गाड़ी ऐसे एकदम घोड़े की तरह खड़ी हो जाती है, बहुत ज़बरदस्त है अपने आप में। तो जो भी हमारे सामने पॉइंट्स थे वो एक एक्सपीरियंस के लिए आपके सामने रख रहे हैं कि अगर आप कोई ऐसी गाड़ी ले रहे हैं तो आपको इसको कंसिडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक्सेस जो है वो रीसेल वैल्यू में थोड़ा सा इसको हमेशा बोला जाता है कि रीसेल वैल्यू एक्सेस की कम है, लेकिन हमारी तरफ से ऐसी कोई कमी हमें नज़र नहीं आई पिछले 3-3.5 साल में कि जिसकी वजह से हम इसको कहें कि नंबर इसके कम होने चाहिए। तो गाड़ी बिल्कुल 100% ओके है, रस्टिंग वगैरह है, छोटी मोटी कमियां आप देख ही सकते हैं और फाइबर बॉडी होने की वजह से निशान वगैरह लगते रहते हैं, वो चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन उसके अलावा जो गाड़ी है वो बिल्कुल ओके है। तो ये है जी एक्सेस 125 BS4 मॉडल। तो कैसा लगा रिव्यू? वैसे और कार एसेसरी कार रिव्यू के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, और ये अगर पसंद आया हो इसमें कुछ भी हमारा तो चैनल को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जल्दी ही, जय हिंद। तो गाड़ी को कर लेते हैं एक बार स्टार्ट और देखिए सेल्फ से बिल्कुल ओके से हो रही है, और चौक भी नहीं खिंचा हुआ। एक बार चला के दिखाते हैं आपको कि चलने में अब गाड़ी कैसी है। ठीक है, आवाज़ वगैरह बिल्कुल कोई ज़्यादा नहीं है और रफ़ गाड़ी है। आप सामान वगैरह अगर ढोरे हैं ना, मतलब इस पर कुछ सामान वगैरह लाना ले जाना, कुछ भी भारी सामान कुछ ऐसी चीज़ है तो उसमें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हमने कई बार इसको ऐसे कामों में ही यूज़ किया है कि कुछ सामान वगैरह लेके चले गए इसके ऊपर डाल के, तो आराम से कितना भी वज़न डाल लो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि देखो जिस जो गाड़ी जितना वज़न ले सकती है उतना ही रखना चाहिए, 3 लोग बैठोगे तो पावर में तो फ़र्क आएगा ही आएगा, लेकिन वैसे ओवरऑल देखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं है पावर में, चलने में भी कोई दिक्कत नहीं है और गाड़ी अपने आप में परफेक्ट है। तो ऐसी किसी भी प्रकार की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो हम कह सकें। तो चलने में आज भी आप देखिए हल्के से हाथ से भी गाड़ी, और जो पावर है पिकअप है वो तो इसका गजब है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम होने का मतलब ही नहीं होता। तो हमारे हिसाब से तो रेटिंग अच्छी है इतना चलने के बाद भी। तो जी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जल्दी ही, जय हिंद।